और चलिए इस बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें 25 जुलाई के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और जानकारी आपको यहां पर दे दें, 26-27 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और इस बीच एक जानकारी और आ रही है यहां पर कि आनी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जी हां, बादल फटने से भारी तबाही हुई है आनी में। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, सेब के बगीचों को भी काफी नुकसान जो है वो हुआ है। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी, ताजा जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए अंजलि, मौसम विभाग ने तो ये चेतावनी जारी की। हालांकि आज जो है, आज मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन जो कल से जो पहले येलो अलर्ट और उसके बाद परसों चौथे दो दिन तक लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया, इसके बाद जो है जिस तरह से जो लगातार पिछले 8-10 दिनों से जो मौसम खराब चल रहा है, बारिश जो हो रही है, लगभग हर दिन बारिश हो रही है, उसके बाद जो है प्रदेशवासी जो है अब इस मौसम से ऊब चुके हैं अंजलि। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बारिश और जो जो खासकर जो जो ऊपरी इलाका है वहां पे जो है बारिश आने के बाद जो है, मौसम विभाग निदेशक हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र पाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सुरेंद्र पाल जी। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, सर कैसा मौसम रहने वाला है? क्योंकि अभी फिलहाल हाल ही में भी जो मौसम रहा था काफी तबाही का मंजर देखने को मिला था, लेकिन अभी मौसम तो साफ बना हुआ है, लेकिन आगे के लिए सर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? देखिए हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे में मानसून थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बहुत तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन उसके बाद मानसून एकदम सक्रिय होगा और 26 तारीख के आसपास या उसके आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी और कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना भी है जी। तो उसके चलते हमने ऑरेंज अलर्ट जो है सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में दिया हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगले 48 घंटे बाद हिमाचल प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो गया और हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नदी नाले और जो रोड्स हैं उनमें लैंडस्लाइड होने की बहुत संभावना होती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और जैसा कि कई जगहों पर काफी ज्यादा भारी बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, कमलेश प्रशासन इसको लेकर क्या कितना अलर्ट है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल भी हमने देखा कि किस तरीके से मौसम का जो मंजर था वो देखने को मिला, अचानक एकाएक जो खराब मौसम हुआ और उसके बाद जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था वो भी सही साबित हुआ और एक बार फिर वैसा ही अलर्ट जारी किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से जो आगे आने वाले दिनों में खासकर 26 तारीख के बाद जिस तरह से जो मौसम विभाग के जो अधिकारी खुद कह रहे हैं कि जो मौसम एक बार फिर से बिगड़ेगा और तेज बारिश होगी, इसके मद्देनजर जो है प्रशासन और सरकार ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब फिर से दिशा निर्देश यही जारी किए हैं कि आने वाले दिनों में खासकर परसों के बाद जो है एक बार फिर से जो मौसम बिगड़ने जा रहा है उसके कारण जो है कुछ इलाकों में जो है तेज बारिश होने की संभावना है और उसके बाद जो है लैंडस्लाइड की जो 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 तस्वीरें सामने आती है अंजलि, उसके कारण जो है जो जो लोगों की जान माल पे भी इसकी बन आती है। तो ऐसे में जो है प्रशासन यही हमेशा जब भी मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया जाता है तो प्रशासन द्वारा जो है गाइडलाइन जारी की जाती है कि ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं या जो जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, जहाँ पे रोड के साथ में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां की ओर जो है रुख न किया जाए और साथ ही साथ जो नदी नालों का जो जल स्तर बढ़ता अंजलि उस वहां की ओर भी रुख ना किया जाए। और खासकर सैलानियों को हिदायत दी जाती है कि अगर कहीं जाना भी है तो स्थानीय लोग, लोकल लोग होंगे, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही जो है घूमने के लिए निकला जाए जी। जाहिर तौर पर कमलेश, हालांकि टूरिस्ट सीजन जो होता है उस दौरान काफी ज्यादा प्रशासन जो है उसको अलर्ट रहना पड़ता है, हालांकि अभी एक बार फिर से अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, लेकिन जो परिवहन विभाग है, परिवहन जो सेवाएं हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है इससे, तो उसको लेकर किस तरीके, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आती हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां? जो दूर दराज का इलाका होता है अक्सर जहाँ पे जो है जो पहाड़ी इलाका, जो मोड़ मोड़ वाला जो इलाका होता है वहां पे ज्यादा जो है इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है, तो ऐसे क्षेत्रों की और जो है जो परिवहन विभाग द्वारा जो जैसे जो रोड ब्लॉक
जो जिस तरह से भूस्खलन होता है उसके बाद रोड ब्लॉक होता, तो इन क्षेत्रों की तरफ जो है जो अपनी जो सेवाएं होती है उन्हें बंद करना पड़ता है मजबूरी में अंजलि परिवहन विभाग द्वारा। अब हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी प्रदेश के जो है काफी क्षेत्र है जहाँ पे जो है अभी भी जो जो हालिया जो पीछे जो तेज बारिश आई थी उसके बाद जो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हुई थी, जो रोड की डैमेज हुआ था, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में जो है अभी भी जो है जो बसेस जो है बसेस की सर्विसेज बंद है। तो आगे आने वाले दिनों में भी जो जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि तेज बारिश होगी 26 के बाद, तो ऐसे में जो है प्रशासन द्वारा जो है जो जो खासकर जो PWD व जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग या जो जो IPS विभाग है इन्हें साफ निर्देश दिया जाता है कि जो है जो मशीनरी होगी जो जो भी जिस तरह की जो डिप्लॉयमेंट की जाती है जो जो स्नो कटर हो या जो 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 JCB हो, तो ऐसे में जो है PWD विभाग द्वारा पहले से ही जो इन क्षेत्रों में जो है जो मशीन होती है वो तैनात की जाती है। अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि आनी में भी आज जो बादल फटने के बाद का तबाही का मंजर हम आपको ये तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और हरी किशन शर्मा हमारे साथ इस बीच आनी से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरी किशन, बादल फटने की वजह से ये मंजर जो है जिसकी तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, कितना नुकसान हुआ है वहां पर? जी सुबह आज भारी बारिश से जो बादल फटने की जो सूचना मिली थी उसके बाद तुरंत प्रशासन मौके पर पहुंचा है, लेकिन जो नुकसान हुआ है यहाँ पर करीब 19 लोगों के जो खेत है वो बह गए हैं इसमें, और करीब 2 गाड़ियां जो मलबे की चपेट में आई, नीचे जो सड़क थी सड़क में पानी भारी मात्रा में आया जिसके कारण 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई है, और जबकि दर्जनों के हिसाब से जो सेब के पौधे हैं उनको भी वो भी बह गए हैं, काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पे है और जबकि नुकसान का जो है जायजा लिया जा रहा है। जी हरिकिशन, क्योंकि अभी फिलहाल आगे के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, यहाँ जो आसपास के गांव हैं उन्हें सुरक्षित उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी फिलहाल पहुँचाने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है? हाँ, इसमें एक मकान है उसको आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, उस परिवार का जो वहाँ पे मकान है उसको खाली कर दिया गया और दूसरी सुरक्षित जगह पर उसको शिफ्ट कर दिया गया। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिकिशन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, आनी में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है, ये तबाही का मंजर आपको दिखा रहे। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो बना हुआ है, काफी नुकसान जो है वो हुआ है और आगे के लिए भी मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी जो मौसम है वो खराब ही रहेगा। हालांकि अभी राहत ये है कि कुछ जगहों पर जो धूप है वो खिली हुई है और कई जगहों पर आपको बता दें कि मौसम जो है वो कुछ हद तक खराब जो है वो बना हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आगे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को ऊना में HRTC के चालक और परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और साथ ही उन्होंने सर इस मामले में तो बता दें आपको कि शिमला के आरएम के तबादले पर रोष जो है वो यहाँ पर जताया गया है। HRTC के कर्मचारियों ने ISBT को बंद किया है, यात्रियों को भी काफी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, नारेबाजी यहाँ पर की गई है। HRTC के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो शनिवार को ऊना में HRTC के चालक और परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जिससे कि HRTC के कई रूट प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा HRTC चालकों ने ऊना के ISBT को भी HRTC चालक परिचालकों ने बसें आगे लगाकर बंद कर दिया है और प्राइवेट बसों को ISBT के अंदर खड़ा ना करने की चेतावनी दी है। साथ ही अमीरपुर में भी कर्मचारियों ने तबादले को लेकर चक्का जाम किया है। आपको बता दें चालक परिचालकों का कहना यह है कि शिमला में जो आरएम का तबादला किया गया है वो गलत है और जब तक तबादला रद्द नहीं किया जाता चालक परिचालक इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस पर हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार चालक परिचालकों से पूछकर तबादले नहीं करेगी। दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, आरएम की बदली हुई है तो आरएम की बदली हो गई है तो ये कोई ड्राइवर और कंडक्टर थोड़ा डिसाइड करेंगे, और अगर ये नहीं ठीक हुआ तो एक्शन विल बी टेकन। साल से एक व्यक्ति एक जगह पे ड्यूटी कर रहा है उसको बदल दिया क्योंकि दूसरी जगह पे व्यक्ति की जरूरत है, एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत है, उसको शिमला से नेरवा बदल दिया। अब ये बोल रहे हैं कि उसको नेरवा क्यों बदला,
पढ़ने जो सरकार तय करती है, इट इज नॉट डिसाइडेड कि हमने इसके ऊपर, वैसे तो आप 3 साल के बाद किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए कहीं अच्छा काम चला है, एफिशिएंसी अच्छी आ रही है, बसेस के रूट्स अच्छे हैं, सारी बातें ठीक है, वहाँ कंटिन्यूटी में चला रहता है, अब ये कोई किसी को सजा नहीं दी गई, जो जो ये पर्टिकुलर विषय की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति को कैंसर है, वो कैंसर के कारण नेरवा नहीं जा सकता, उसको कैंसर की बीमारी के कारण से प्रॉब्लम है, उसको शिमला में रख लिया, शिमला वाले को नेरवा भेज दिया, और नेरवा में नया यूनिट है और वहाँ पे व्यक्ति भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो हमने कहा कि माल एडजस्टमेंट कर लो, फिलहाल उनको भेज दो। हमारी तो फर्स्ट मांग यही है कि उनका तबादला तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। क्या हमारा है सर, और हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया है, कूल डाउन किया है, इसलिए अड्डा बंद है, और होगी कि नहीं जब तक हमारे अवसर को बहाल नहीं किया जाएगा, वो कर्मचारी हित और निगम हित के अवसर हैं, कर्मठ हमारे ईमानदार ऑफिसर हैं, देवासैन नेगी जी मैनेजर है लोकल यूनिट के, तब तक उनको बहाल नहीं किया जाता जब तक ये टूल डाउन हमारा रहेगा। धक्काशाही ऐसे ही रहेगी और आरटीओ की धक्काशाही ऐसे रहेगी, कर्मचारी ऐसे पिटते रहेंगे। 2 साल से कर्मचारियों को कोई लाइट भत्ता नहीं दिया गया है, 2-2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग चली है। जल हम सरकार से ये अनुरोध है कि इन तबादलों के चक्कर में ना पड़े और कर्मचारियों को दे भत्ते जो देने हैं उनके ऊपर गंभीर विचार करें, नहीं तो कर्मचारी भविष्य में फिर ऐसे ही आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सीधे जुड़ गए हैं इस दा जानकारी के साथ, उनका रुख यहां पर करते हैं। पंकज, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं यहां पर, और जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पंकज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? पंकज, आप सुन पा रहे हैं? पंकज, आप सुन पा रहे हैं हमें? चल, लगता है संपर्क टूट गया है, फिलहाल कोशिश दोबारा करेंगे उनसे संपर्क करने की। तो शिमला के आरएम के तबादले पर ये रोष जो है वो यहाँ पर जताया गया है, और कर्मचारियों ने आईएसबीटी को बंद कर दिया है, यहाँ तक कि आरएम का तबादला रद्द करने की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है। बसेस के आवागमन जो है वो यहाँ पर रुक गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंकज संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? यात्रियों को भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, एचआरटीसी द्वारा जो ये चक्का जाम बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह 11 बजे से ही एचआरटीसी चालक परिचालकों ने अपनी बसों के चक्का जाम कर दिए थे, चक्के जो है वो जाम कर दिए थे, और उसके बाद जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था। जिला प्रशासन ने काफी मुशक्कत की है, लगभग 1:30 बजे जाकर इनकी आपसी सहमति हुई है, पर लेकिन एचआरटीसी जो जितने भी चालक परिचालक है वो अपनी मांग को लेकर जो है वो अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक आरएम का तबादला रद्द नहीं होता हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। और हालांकि मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 10 मिनट पहले ही यहां पर जो है प्राइवेट बसों को अंदर आने की इजाजत जो है जिला प्रशासन ने दी है, पर लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए इनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने